लोग सर्वाइव करने वाले हैं 200 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर मोड। ये माइनक्राफ्ट का सबसे डिफिकल्ट गेम मोड है और इस गेम मोड के अंदर अगर हम लोग मर गए तो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। इतनी ज्यादा मेहनत, इतना ज्यादा टाइम, सब कुछ एक झटके में। हार्डकोर माइनक्राफ्ट के अंदर 100 दिन ऑलरेडी हम लोग सर्वाइव कर चुके हैं, उसका वीडियो तुम लोगों को यहाँ पे आई के ऊपर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखना। अगर तुम लोग नए हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, दैट विल बी सुपर डुपर ऑसम। और अगर तुम लोगों को कंटेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तुम लोग कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो बिंदास। तो फिर से स्वागत है हार्डकोर माइनक्राफ्ट के अंदर, ऑल न्यू डे और आज होगी किडनैपिंग। नेदर से मैं गया सैंड विलेज के अंदर जहाँ पे किडनैपिंग का टाइम आ चुका है। सुरेश चुपचाप बैठ जा अभी यहाँ पे। अरे उठ भैया, मेरे को सुन दे। पूरी तरह से खून पसीना और बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद फाइनली पोर्टल के अंदर ठूस दिया मैंने सुरेश को और वो भाग गया। से अरे आ जाना बेटा, तेरे को बीबी देगा, तेरे से बच्चे पैदा करेगा, और क्या दे सकता हूँ मैं तुझे, पर इनको भागना है। जा नरक में मर जाओ आप कुत्ते। अगले दिन कॉबलस्टोन से मैंने ब्रिज बनाया और इवन सुरंग भी खोद डाली ताकि ये विलेजर्स को मैं मेरे पोर्टल तक लेके जाऊं इजीली। पर ये लगता है इतना इजी नहीं है बिकॉज पिस्टन से उड़ा उड़ा के मैं इसको ऊपर लेके ही जा रहा था कि ये हो गया। नहीं यार, फिर से नहीं। अगले दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे बैकअप भी बनाना चाहिए, इसलिए मैंने एक नहीं दो दो विलेजर्स को किडनैप कर लिया। मैं सच बता रहा हूँ, विलेजर्स सबसे ज्यादा डम चीज है इस माइनक्राफ्ट के अंदर। पिस्टन से ढाचिक ढीचिक करते पोर्टल को मैं कवर कर ही रहा था कि गया, गेम ओवर मैन। हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी पर फाइनली कुछ तो प्रोग्रेस हो रही थी। फिर वही गंदी बेड पे सोना, सुबह विलेजर्स की किडनैपिंग, घुसेड़ा निकाला भगाया, फिर घुसेड़ा निकाला और पहुंचे घर। अबे साइड हो जा, मुझे सोने दे। एक दूसरे को सुकून से देख लो बिकॉज कल से तुम लोग बच्चे ही बच्चे बनाने वाले हो नॉन स्टॉप। अब ये मेरे कामगार है जो अपने जिंदगी भर मेरे लिए काम करने वाले है। शवल को इफिशियंसी डाला और फिर क्या, खोदो 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 खोदते रहो। इस बार मैं रात को भी काम करने वाला हूँ तो नाइट 106 छोटा सा कंपाउंड बना लिया है जहाँ पे खुले आम बच्चे ही बच्चे पैदा होंगे। अगले दिन दोनों को फेंक दिया खड्डे के अंदर, फार्म से वीट निकाले, ये लो ब्रेड बनाओ बच्चा। आई गेस मेरे सामने शर्मा रहे ये लोग, तो इसलिए मैं अपना काम करने के लिए वापस चला गया। इवन रात को भी खून पसीना लगा के मैं काम पे जुड़ा ही हूँ। पहला बच्चा ताजा ताजा गर्मा गर्म नया बच्चा। अगले दिन मैंने ऐसा दरवाजा बनाया जो ये खोल नहीं सकते, सिर्फ मैं खोल सकता हूँ। और एक बच्चा, बड़े तेज हो रहे हो। इस केज को इनके घर को नया लुक दिया। रात को बुक बनाया, लेक्चर वाला टेबल बनाया और सो गया। अगले दिन बेरोजगार विलेजर्स को रोजगार योजना शुरू कर दी। और ये क्या, बच्चा भाग गया यहाँ से। आई हेट बच्चे लोग, उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा हूँ मैं। अरे धीरे भाग, नहीं तो मैंने तेरी माँ मार देनी है। वो एक विलेजर मेंडिंग दे रहा है, उसको मैंने मार्क कर लिया कॉबल स्टोन के साथ। ये करोड़पति बनाएगा हम लोगों को। येलो ब्रेड, वो गोलम जी मतलब, अरे प्यार तो देखो इस बंदे का, गुलाब दे रहा है बेचारा। मुझे ख्याल आया कि मुझे जॉम्बी विलेजर्स बनाना चाहिए और उसको क्योर करके करोड़पति बनना चाहिए। अगले दिन टाइम फॉर नेदर। नेदर फोर्ट्रेस में गया, मशरूम जमा कर लिए, वो गोल्ड आर्मर और ब्लेज के साथ लफड़ा हो गया। अरे मैं जल रहा है, मैं जल रहा है, कोई भूख मारो। तो हार्ड, अरे मेरे गोटे गले तक आ गई थी भाई। हर्ष वहां से तो बच गया। 9 ब्लेज रॉड मिले और फाइनली मैं घर पे आ गया। अगले दिन एक ब्रूइंग स्टैंड बना लिया और एक गलत सा पोशन बना लिया जिसका कोई यूज नहीं है बिकॉज मैं हूं ही मनुष्य। फिर गूगल करना पड़ा कि कैसे पोशन बनाते हैं। रात को जॉम्बी ट्रैप बनाया। हेलो स्पाइडर, डॉय डॉय डॉय। जॉम्बी सारा च्यवनप्राश खा के आया था बिकॉज ट्रैप के अंदर उसको जाना ही नहीं है। और सुबह होते ही भाई ने डिसाइड किया अब मैं जलेगा। अगले दिन मैंने ट्रैप तोड़ दिया और गुस्सा निकाला एंडल दादा के ऊपर और नुको दादा मारू, नुको मारू, नुको दादा सोड़ सोड़ दादा। मैं कंटिन्यूअसली विलेजेस के जॉब्स चेंज कर रहा था बिकॉज होपफुली कभी ना कभी बहुत ही ज्यादा ऑसम धंधा मिलेगा हम लोगों को। देन थोड़ी सी फार्मिंग की, बहुत ज्यादा फार्मिंग की और सो गया। अगले दिन मुझे लगा कि अभी टाइम आ चुका है जब हम लोग कंपाउंड को एक्सपांड करेंगे। सो डर्ट लेवलिंग किया, वुड जमा किया, चॉप चॉप चॉप। अबे टकले डॉय, नो सर क्रीपर।
मेरी फटके हाथ में आ गई थी तो चुप चाप डर्ट चॉप 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 और मैं जा ही रहा था कि ये कहां से आया डॉय। अगले दिन हुआ मेरा पहला बिजनेस, एमरल्ड्स का पहला स्टॉक। आगे आगे देखो 25 दिन में करोड़पति होके दिखाएगा अपुन। अब बीट है मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज इस गेम के अंदर, तो दिन रात अभी मैं बीटरूट प्लान कर रहा हूँ क्योंकि अभी बीटरूट भगवान है, देव मानुष। अगले दिन न्यू शवल बनाया, डर्ट को लेवल किया जितना कर सकते हैं और न्यू फार्म भी बनाया। अब तुम लोग थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, पर ये तो शुरुआत है बेटा, और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे इसको। अबे ये देखो झुमझुम के नाचो नाचो झुमझुम के नाचो नाचो। अगली सुबह झुमझुम के जल्लो जल्लो झुमझुम के जल्लो जल्लो झुमझुम जल्लो जल्लो। बीटरूट की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा करोड़पति हो ही रहा था, पर मैं पैदा ही लालची हुआ हूँ बहुत ज्यादा, मुझे और ज्यादा एमरल्ड चाहिए और ज्यादा। तो मैंने जॉम्बी ट्रैप फिर से एक बार बनाया, चटाइयों के साथ थोड़ा बहुत घूम के आया मैं। और ये क्या भाई, मार भाई, तेरा काम है उसको मारना, क्या ये मार क्यों नहीं रहा है उसको। जॉम्बी ढूंढने निकला, क्रीपर टॉय, वाह जॉम्बी के साथ स्केलेटन फ्री। तेरे को किसने बोला रे बाबा, आओ ये छोकरे ऊपर देख इधर। चलो फाइनली अगले दिन विलेजेस की किडनैपिंग शुरू। अरे तुम लोगों किसने यहाँ पे बोला, यहाँ पे मैं इन सबको लग रहा है कि मैं इनको रोलर कोस्टर घुमाने के लिए एसएल वर्ल्ड लेके जा रहा हूँ, पर नहीं, तुम लोगों को मारने के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। थोड़ी बहुत मैंने खेती की और देखता हूँ मैं क्या, जॉम्बी गायब, कहाँ पे गया ये, अभी मेरे घर में कहाँ पे है ये बंदा। सीआईडी को, कोई तो सीआईडी को कॉल करो। अगले दो दिन पूरी तरह से माइनिंग ही माइनिंग, माइन ऑल डे एंड माइन ऑल नाइट। डायमंड बॉय, मौत का ब्रिज बनाया, गोटे गले तक आ गए थे बेटा। अगले दिन मैंने पूरा का पूरा चंकी खोद डाला, जितनी डर्ट में लेवल कर सकता हूँ अपने कंपाउंड के आजू बाजू उतनी मैं कर रहा हूँ। तुम लोगों को पता चलेगा क्यों कर रहा हूँ मैं सारी चीजें। और ये वॉल को भी फाइनली तोड़ ही डाला। अगले दिन ये बहुत ही ज्यादा क्लीन दिखने लगा है। उसी दिन मैंने फार्मिंग की वॉल बनाई जो एक्चुअली पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए रात को जगना इज बैड आइडिया विदाउट वॉल के साथ, सो इसलिए मैं सो गया। डिजाइन बहुत ही ज्यादा ऑसम दिखने लगा है। और मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को देखा और मेरा प्रद्युम्न दिमाग पूरी तरह से चलने लगा और मैं फटाक से उसको क्योर करने के लिए भागा, पोशन लिया और मैं वहां तक पहुंचता हूँ तब भी अरे मारो मत रे बाबा, वो एकलौता ज़ॉम्बी विलेजर था मेरा, ये मार रहे सुरेश, सुरेश गया, खत्म हो गया सुरेश, मेरा फ्रैंकेस्टाइन जीने से पहले ही मर रहा है। सुरेश के गम में मैंने वॉल बनाई, डर्ट लेवल किया, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी है, वाह ताज। टॉर्चेस लगाई सब जगह और हो गई सुबह। अगले दिन भर जितनी लेवलिंग कर सकता हूँ उतनी मैंने की, टू मच हार्ड वर्क भाई साहब। तो कैसे लग रहा है मेरे मेहनत का फल, ये तो शुरुआत है बेटा, पूरी तरह से क्लीन क्लीन क्लीन, पर रुकना नहीं है अभी बिल्कुल भी। जॉम्बी फंसाया, जॉम्बी विलेजर बना के फाइनली उसको क्योर किया, हर्ष मैन, अभी वो बंदा 24 डंडियों से देता है एक एमरल्ड, दैट्स काइंड ऑफ कूल। अगले दिन घर पहुंचा, वर्क स्टेशन बनाया, फार्मिंग की और बहुत सारे मर्डर बिल्डर किए जस्ट फॉर बुक्स मैन। अगले दिन वुड चॉप चॉप सैंड ड्रॉप ड्रॉप ओ। रात में हुआ केव में तांडव। अगले दिन नेदर में साफ सफाई करने का डिसाइड किया है मैंने, मेरा खुद का घर मैंने कभी साफ नहीं किया होगा, पर माइनक्राफ्ट क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए टपा टप इसको टपकाया उसको टपकाया, फ्लोरिंग बनाया, वो स्केरी मैन। मैंने रेड ग्लास बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम दिखता है। अगले दिन मैंने बेड लगा लिए ताकि ये सारे लोग और ज्यादा बच्चे पैदा कर पाए। उस रात मैंने और एक फार्म बनाया, उसमें पानी डाल डाल के थक गया था मैं उस रात। अगले दिन जटायु के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चला गया मैं। ओए माइन शाफ्ट मिल गया मुझे, ना कि माइन शाफ्ट, उसके अंदर मुझे ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला है, सुपर नाइस, छे छे गरीबों वाली लूट। अगले दिन मैंने जितनी माइन शाफ्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं उतनी की, डाई डाई डाई। और तुम लोगों के भाई को मिला है और एक ज़ॉम्बी स्पॉनर, ये स्केलेटन वाला स्पॉनर नहीं है, ये नॉर्मल स्पॉनर है, पर अपने को चलेगा बाबा। अगले दिन रात तक घर पे पहुंच गया, माइनशाफ्ट में से मुझे मिला था मेलन सीड, तो मैं प्लांट किया मेलन को बिकॉज मेलन इज गुड। ब्रेकिंग न्यूज, गोलम जी ने मारा पिगलिन को। अगले दिन ट्री चॉप चॉप और थोड़ा ट्रैवल करने के बाद मुझे पिलेचर वाला आउटपोस्ट मिला और हर्ष
बाजू में विलेज भी था तो वहां पे जाके मैं सो गया। अगली सुबह मैंने लावा के ऊपर स्पीड रन स्टाइल में पोर्टल बना लिया। अरे देवा माझ्या कडे फ्लिंटच नाही, देखो आई लव गोलम जी, वो मेरे लिए भगवान है। डाई डाई डाई। कभी ना कभी इस पोर्टल को मैं कनेक्ट करूंगा अपने घर के साथ। उस खौफनाक रात को मुझे पता चला कि मैं एक खतरनाक डॉक्टर हूं जो फ्रैंकेस्टाइन बना रहा है। ज़ॉम्बी, ए ज़ॉम्बी, ये तुला खाऊ दे तो। फसा। सुनो बाबू भाई, मेरे को ना अमीरों का स्कीम हाथ में लगा है, 25 दिन में पैसा डबल। क्योंकि हमारा ये बिड़ू है ना, ये हम लोग को एमरल देगा, वो भी एक मेलन के भाव पे। सो फार मेरे पास 84 एमरल्स है, अमीर लौंडा है अपुन। पर लाल जी भी, बिल्लू लव मी माय संपाय, आई लव यू सो मच। अगले दिन मैंने रिसोर्सेज जमा किए मेलन फार्म बनाने के लिए। उसके अगले दिन फाइनली मेलन फार्म बन चुका था। यही मशीन अपने को बहुत ज्यादा करोड़पति बनाया बिड़ू। मुझे बहुत ज्यादा बुक्स चाहिए, सॉरी काऊ जी, डाई डाई। अगले दिन मैंने एक नहीं दो दो मेंडिंग बुक्स खरीदे और दो प्रोटेक्शन 4 भी। पर ये बीट रूट वाला बंदा मेरे साथ अभी डील ही नहीं करना चाहता, मेरा पैसा खा गया रे, तब से उड़ा दूंगा। अनब्रेकेबल 3 के लिए मुझे लेवल 30 तक पहुंचना पड़ेगा अभी। अगले दिन एक्सपी के लिए मैं नेदर के अंदर गया। डाई, सॉरी छोटू, मैंने तेरे बाप को मार दिया, चल तेरी माँ को ले गया। अरे देवा, दू दू हार्ट भाई, गोटे गले तक आ गए थे, भागो भागो। बहुत सारे क्रिस्टल से एक्सपी तो मिला, पर माफ करी दीजो साहब, माफ करी दीजो, ना मारो मेरे को। वो इसे तो देखो क्या माले भाई, धूम मचा ले। अगले दिन जब मैं पहुंचा तब मुझे पता चला कि इफिशिएंसी के लिए मुझे 30 लेवल्स और चाहिए। अगले दिन गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, पीछे से नंगा हो गया है मैं। रात भर मैं इसको रिपेयर करने लगा और जो सामान गया वो तो गया। अगले दिन फाइनली डायमंड बेबी, जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी हो ही चुकी है। अगले दिन ज़ॉम्बी स्पॉनर तक गया, उसको रिपेयर किया जितना कर सकता हूँ और घर पे आ गया। और जटायु नहीं, अभी जल्दी से निकल, नहीं नो, खाली बेटा खाली, खाली तेरे को पाव भाजी चाहिए, मंचूरियन चाहिए, पिज्जा चाहिए, खाली सब कुछ खा ले, अपनी जिंदगी बचा ली। माइनक्राफ्ट गॉड, मेरी जिंदगी ले लो, पर मेरे चटायू को कुछ नहीं होना चाहिए। चटायू माय लव। अगले दिन मैंने डिसाइड किया जटायू को रखो घर पे चुपचाप, और स्टूपिड सा कॉबलस्टोन के साथ रास्ता बनाया अपने दर से अपने स्पॉनर तक, क्योंकि जटायू को यहाँ वाह नहीं करना हम लोगों को बिल्कुल भी। यहाँ वहां से ट्रैवल करते हुए ज़ॉम्बी स्पॉनर के ऊपर काम चलते रहा। हेलो चिकन, बाय बाय चिकन, वर्क वर्क वर्क, बहुत ज्यादा वर्क। अगले दिन मुझे समझ में आया कि स्केलेटन फार्म इज नॉट दैट गुड। अगले दिन जितनी चीजें प्लेन कर सकते हैं, प्लेन प्लेन प्लेन, मैंने पूरी तरह से सुरंग बना ली है अपने कंपाउंड के एग्जैक्टली सामने, जिसके अंदर सारे के सारे विलेजर्स जाने वाले हैं। अभी जहाँ पे मेरे विलेजर्स ऐसे ही घूम रहे हैं, मटर गस्ती कर रहे हैं, उसको मैंने कनेक्ट किया अपनी नई सुरंग के साथ। 3 ब्लॉक छोड़ के मैंने इनके लिए ऑफिस बनाया, मैं गवर्नमेंट ऑफिस बना रहा हूँ यहाँ पे। अगले दिन सुबह जिन लोगों के जॉब ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुके हैं उनको मैंने किडनैप किया और इस सुरंग के अंदर लाना चालू कर दिया। उस रात मैं पागल हो गया था, इनके पीछे भाग भाग के इन विलेजर्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं बाल खींच लूंगा, नोच लूंगा। अगले दिन जेल, आई मीन विलेजर बेस बहुत ज्यादा क्लीन और खूबसूरत दिखने लगा है। वहां पे इन लोगों के जॉब कंटिन्यूअसली चेंज कर करके मेरे मनचाहे जॉब इनको दिए। रात को मैंने वर्क स्टेशन को नाम दिया ताकि मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो। अरे तू कहां पे भाग रहा है बे, बिना टिकट के भाग रहा है ये बंदा, पकड़ो इसको। अब जाके फाइनली सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, लुक एट दिस ब्यूटी, आई एम सो हैप्पी मैन, अभी मैं सुकून से सांस ले सकता हूँ। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ऑटोमेटिक फार्म बना सकता हूँ। इसको बनाने के लिए 2 दिन लगे, 2 विलेजर्स और मेरा खून और पसीना, फिर वो मेरे लिए काम करेंगे अपने जिंदगी भर बिना पगार के। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वर्क करने के लिए, सो इसलिए हम लोग माइनिंग करने के लिए जाने वाले हैं। माइन 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 डायमंड भाऊ। रात को मैं सुमड़ी में इनका बिजनेस देखने के लिए आया, लुक एट दिस भाऊ,
उसी रात बेसमेंट को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की मैंने। एक गोलम शेट कहां से मार खा के आया बे? अगले दिन फिर से माइन 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 क्रीपर दादा आई डोंट लाइक यू बॉय डाय। क्रीपर के अलावा उस दिन कुछ नहीं मिला। अगले दिन डायमंड बॉय। आई गेस मेरा लक खत्म हो चुका है। पर नेक्स्ट दिन डायमंड अगेन। अगले दिन मैंने सोचा कि अभी इतने डायमंड आ ही गए हैं तो अभी चड्डी और बनियान बना ही देते हैं। देख रहे हो मैं पॉलिटिशियन पक्का बन सकता हूँ क्योंकि इनका ही पैसा इनको ही बेचेगा और मैं करोड़पति बनेगा। उन्हीं के पैसों से रात को मैंने अपनी चड्डी और अपने बनियान को लगाया प्रोटेक्शन 4 स्पाइडर टाई। अगले दिन मैंने जूतों को प्रोटेक्शन और फेदर फॉलिंग लगा दिया। फाइनली सारी चीजों को मैंने लगाया मेंडिंग। मुझे बुक की जरूरत है और मेरे पास काऊ खत्म हो चुके हैं। सो टाइम फॉर काऊ हंटिंग। वाटर काऊ सब चीजों को मैंने मेंडिंग लगा दिया। पर पता नहीं क्यों मेरा डोगो मेरे से प्यार नहीं करता बिल्कुल भी। अब इतने ज्यादा एमरल्ड्स दे के मैंने मेंडिंग खरीदा है, प्रोटेक्शन खरीदा है, बहुत सारी चीजें खरीदी है, स्टिल भाई के पास 63 एमरल्ड्स है। करोड़पति है अपुन। फाइनली मैंने बो बना लिया। पर पावर 4 के लिए मुझे चाहिए लेवल 30। सबसे ज्यादा एक्सपी तो मुझे बिजनेस से ही मिलते आए हैं तो लेट्स डू दिस। रात को हुई गोलम जी की फाइट। ए मारो ओए का का अरे हाथापाई पे आ गए ये लोग। अगले दिन तक मेलन फार्म अपग्रेड इज ऑल डन बॉय। अब पैसा ही पैसा होगा। तुम लोगों को याद है 100 डेज वाला वो फार्म? वो अभी पूरी तरह से सुपर सैयन बन चुका है। अगले दिन मैंने सोचा कुछ तो तूफानी बनाते हैं तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी ब्रिज बनाएगा बिकॉज व्हाई नॉट मैन। सस्ती चीजों का शौक नहीं रखते हम लोग, इसलिए मैंने स्मूथ स्टोन के साथ ब्रिज बनाना शुरू किया। रात को कंपाउंड के बाहर काम करना बहुत ही ज्यादा स्केरी लगता है यार। पहचान पे खेल के तुम लोगों के एजीओ ने ब्रिज बना ही डाला। अगले दिन नेदर के अंदर गया। मेरे पास एक मस्त सा प्लान है। नेदर के अंदर इसको मारा उसको मारा, मैंने भी मार खाया और इसकी मां मार दी उसका बाप मार दिया। पर फाइनली ग्लोस्टोन लेके वापस आ गया। उसी रात फाइनली हमारा ब्रिज कम्प्लीट हो चुका है ओपन। जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे भी लाख गुना ज्यादा बना है। ऑसम। उसी रात बेसमेंट में पूरी तरह से काम करते रहा तुम लोगों का एसईओ। अगले दिन बेसमेंट एक्चुअली अच्छा दिखने भी लगा। लकड़ी बहुत कम हो गई थी इसलिए चॉप चॉप चॉप। इवन रात को भी चॉप चॉप चॉप। अगले दिन बेसमेंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया था पर मेरे अंदर बहुत बड़ी खुजली है क्योंकि मुझे अभी ऐसे लगने लगा है मेरा सबसे बड़ा फार्म भी ऑटोमेटिक बन सकता है। तो डर्ट लेवल किया, विलेजर को किडनैप किया, रिवर को पूरी तरह से डर्ट से भर दिया ताकि ये लोग डूब ना जाए। रात को एक और बिडू को किडनैप किया। उस बंदे ने मेरा बहुत ज्यादा खून चूसा है पर फाइनली बंदा काम कर रहा है। एक्सपीस के लिए ज़ॉम्बी स्पॉनर के पास गया, एफ के रहा फुल नाइट, वापस घर पे आया ट्रेनिंग करने के लिए और विलेजर गायब। अगले दिन फार्म में बीटरूट लगा दिए। क्या खूबसूरत दिख रहा है ये। वो स्केलेटन एक्सपी फॉर्म बहुत बकवास है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि वो दूसरा वाला सिंपल ज़ॉम्बी स्पॉन है याद है तुम लोगों को, उसको अभी हम लोग बनाएंगे एक्सपी फॉर्म। मेरे गोटे गले तक आ गए थे, आई गेस मैंने चबा भी दिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए पर आखिरकार एक्सपी फॉर्म चल पड़ा। अगले दिन फुल टाइम में एफ के रहा पर हाइट ज्यादा होने की वजह से वो डायरेक्टली मर रहे थे तो उनको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। अभी 6 मिनट में मुझे मिले 3 लेवल्स, 10 मिनट में मुझे मिले 4 लेवल्स। मुझे नहीं पता था ऑफलाइन मोड के अंदर भी हम लोग चैट में लिख सकते हैं क्योंकि अभी मैं सारी चीजें लिखने लगा। फाइनली 31 लेवल और फाइनली पावर 4 बो। ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर किया, अब बिजनेस ही बिजनेस किया जाएगा। पर शार्पनेस 4 के लिए चाहिए मुझे लेवल 30 अगेन। पिक्स को टपकाते हुए एक्सपी फार्म तक जा ही रहा था कि क्रीपर ही क्रीपर। चुम्मा चाटी हो गई हम लोगों की वहां पे। एफ के फाइनली शार्पनेस 4। लूटिंग और मेंडिंग भी लगा ही दिया उसको। नेदर के अंदर गया फोर्ट्रेस में जो मैंने जंप मारी है। बाप रे बाप, किडनी में हार्ट अटैक। पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग इज डन। पर्ल्स जमा किए ब्रूलिंग स्टैंक के साथ। बिजनेस ही बिजनेस, जय बिजनेस। 12 पर्ल्स देने के बाद साले ने धंधा ही बंद कर दिया। अरे स्टॉक पर आई ऑफ एंडर आर डन। भाई तू लोगों को बताइए मैं हूँ इलालची। फोर्ट्रेस के अंदर फिर से गया ब्लेज रॉड पाने के लिए। सारे संगीत के सुर निकल आए। मुझे इन्फिनिटी एंचेंटमेंट चाहिए था अपने बो के लिए इसलिए मैंने हजारों बो बनाए और सबको एंचेंटमेंट करते रहा पागल की तरह। और फाइनली मैंने बना लिया अनब्रेकेबल इन्फिनिटी पंच और पावर 4 वाला बो। चलो एंडर ड्रैगन के मौत के सफर की शुरुआत की जाए।
पहले समुंदर से ट्रैवल किया, फिर जंगल में से, फिर से समुंदर में से, और फाइनली डेजर्ट बायोम के अंदर मुझे मिला स्ट्रॉन्ग होल्ड। पिछले महीने से आई गेस मैंने 15 से 16 बार एंडर ड्रैगन को मार दिया है, पर पता नहीं क्यों इस पोर्टल के सामने जब मैं खड़ा था मेरे हाथ कांप रहे थे। और ऐसे नहीं है कि मैंने ये बहुत पहले रिकॉर्ड किया है, क्योंकि 10 अप्रैल को रिकॉर्ड किया है मैंने एंड वाला फाइट। आई गेस हार्डकोर माइनक्राफ्ट का अलग ही खौफ होता है, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई, अगर मैं वॉइड में गिर गया तो सारी चीजें खत्म। पता नहीं क्यों पर अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ गए, इतना ज्यादा डर गया था मैं उस मोमेंट में। फाइट की शुरुआत जैसे हमेशा होती है टॉवर्स में तोड़े, जितने फटाफट में तोड़ सकता हूँ। अभी इस फुटेज को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूँ, क्योंकि मेरे पास पोशन होते हुए भी मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि पहले तो ये महाशय मेरे ऊपर चढ़ना चालू हो गए। उनको टपकाने के बाद एंडर ड्रैगन ने भी डिसाइड किया अभी इसकी लेने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे भी मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बच गया। अरे देवा, अरे बस बाबा कितना मारेगा, 5 हार्ट गए और उड़ा दिया मुझे हवा में। अगर ये बटर बकेट हो नहीं पाता तो अभी मैं यहाँ पे नहीं होता। फाइनली मैंने रियलाइज किया मेरे पास पोशन है फेदर फॉलिंग का, मैं पागल हूँ। मैंने जैसे ही वो पिया उसी वक्त भाई ने फिर से लात मार दी। भाई इस बार अभी मैं मर नहीं सकता बेटा, पर अंकल मानेंगे कहाँ पे, फिर से एक बार तंगड़ी मारा उसने। मुझे तो अभी लगा था मैं वॉइड में ही गिर जाऊंगा, पर चलो हम उड़ सकता है, परी है मैं। एंड देयर वी गो, हार्डकोर माइनक्राफ्ट के अंदर 200 डेज सर्वाइव्ड विद एंडर ड्रैगन फाइट। होपफुली तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, अगर किया है तो प्लीज लीव अ लाइक, दैट विल बी सुपर ऑसम। पिछली बार मुझे लगा था ये इम्पॉसिबल है कि मुझे 900 लाइक्स मिलेंगे, तो मुझे अभी लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि मुझे 25,000 लाइक मिल सकते हैं। सो अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा है, और अगर तुम लोग चाहते हो कि 300 वाला वीडियो जल्द से जल्द आए, तो प्लीज मेक श्योर अभी के अभी लीव अ लाइक। अगर हम लोग 25,000 तक पहुंच रहे हैं तो मैं वीडियो शूट करना चालू कर दूंगा 300 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर एक बंदा जिसने सब्सक्राइब किया है, यू गाइज आर जियो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सुपर डुपर ऑसम। वेलकम टू जियो फैमिली। दिस इज जियो ट्रिप साइनिंग आउट। पीस आउट गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल जियोज, बाय बाय।